नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में जितनी उठापटक होनी थी, जितनी वॉलेटिलिटी होनी थी, वो शुरुआती आधे घंटे में देखने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट सेटल पड़ा है। आपके लिए निफ्टी 650 सवा 600 पॉइंट की रेंज में ही सुबह से घूम रहा है, उतनी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट ब्रेथ धीरे 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 नेगेटिव शेयर्स की बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होंगे जो सुबह अगर 10,000 में परसेंटेज समझ में आता हूँ, अगर सुबह उनका 2% का मुनाफा पोर्टफोलियो में दिख रहा था, इनफैक्ट 5% दिख रहा होगा, तो वो घटकर अभी 2.5% या 2% रह गया होगा। यानी कि अगर सुबह आपको 1,00,000 का मुनाफा हो रहा था तो अभी वो 50,000 या 60,000 ही रह गया होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कि ऑलमोस्ट आपकी प्रॉफिट की जो रेशियो है वो 50% कम हो गई होगी, आपने नोटिस किया होगा ये। अब इस बीच में ऐसा क्या हो गया जो ये सब हो रहा है? पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एडवांस और डिक्लाइनिंग रेशियो, जो मैंने अभी भी डिस्कस किया कि सुबह जब मैंने मॉर्निंग में पहले स्क्रीन खोली 9:15 पे, तो बड़ा मजा आया मेरे को, क्योंकि केवल 91 ऐसे स्टॉक्स थे जो लाल निशान में थे एनएससी पे। उसके बाद जब मैंने पहली वीडियो शूट करी तो 370 शेयर्स लाल निशान में थे, यानी 4 गुना हो गए। अभी करंट सिचुएशन ये है कि 570 शेयर लाल निशान में, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ऑलमोस्ट सिमिलर तेजी दिखा रहे हैं। कोई मूवमेंट ऐसा नहीं है कि घट गया है इंडेक्स या फिर बड़ा तेजी हो गई है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो तेजी और पकड़ी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ हैवी वेटेज वाले स्टॉक और भाग रहे हैं, जो भाग रहे हैं और ऊपर आ गए हैं थोड़ा सा, और जो शुरुआती कारोबार में सबके फेवरेट ऊपर थे उनमें प्रॉफिट बुकिंग आई है और वो नीचे आ गए हैं। ये बदलाव आया है जिसकी वजह से सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अब एक एक करके मैं पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, तो यहां पे बात तो हम करने वाले हैं अदानी ग्रुप की। और आपको मुझे, हम सबको पता है कि भैया अदानी तो चाहता है कि भाई जय हो मोदी जी की, और वही आता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल में, जिसके बाद अदानी ग्रुप में तूफानी तेजी है। अदानी पावर को जरा नजर डालिए, 14% ऊपर 863 पे ट्रेड कर रहा है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि मैंने कवर करी है, ये आई थिंक हर एक व्यक्ति ने कवर करी होगी। बस ये कि हमने जब जब ये शेयर्स गिरे तब तक वीडियो बनाई और कहा कि ये वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं। मजबूत बंदा जो बाजार में पुराना है, जिसने वॉलेटिलिटी देखी है, हाई बीटा स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है, वही झेल पाएगा। जो लो बीटा में कंजर्वेटिव स्टॉक्स में हमेशा निवेश करता है, जो 1% 2% की मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा दिन में देखता है, 10% की महीने में देखता है, वो इन स्टॉक्स में नहीं होल्ड कर पाएगा, क्योंकि ये एक एक दिन में 10% का मूव दे देते हैं। लेकिन पैसा इतना मैं कह सकता हूं कि वॉलेटिलिटी झेलोगे तो बनेगा, जिसमें हमारा फेवरेट शुरू से ही अदानी पावर रहा है। 550 रुपये 450 रुपये इन भावों पे आपके साथ डिस्कस किया है। अभी मैंने वीकेंड पे भी वीडियो बनाई कि अब 1,000 की तैयारी में है, क्योंकि अगर नतीजे फेवर में आए तो ये स्टॉक रुकने वाला है ही नहीं। आज स्टॉक अभी 14% ऊपर 862 पे ट्रेड कर रहा है, 890 के समथिंग का इसने लाइफ हाई लगाया है। केवल इतना ही नहीं, अदानी एंटरप्राइज जो हमारा सेकंड फेवरेट था, वो भी 4,000 का इवेंचुअल लक्ष्य था। बीते कुछ दिनों में काफी वीडियोस भी बनाई हैं, अभी जब नंबर्स के बाद गिरा था तब भी वीडियो बनाई थी। आज स्टॉक ने आपके लिए 3630 का भाव अभी दिखा रहा है, 3743 का हाई दिखाया है, और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गया है। ऐसा लग रहा है 4,000 छू के ही आएगा, बट फ्रेश एंट्री अब आप देख लेना अपने हिसाब से, रिस्क के हिसाब से। बट जिनके पास है, मैं यही कहूंगा, बाजार ऊपर है, स्टॉक्स ऊपर है, आप अभी जल्दबाजी में बुक मत कीजिए। अब एक कंसर्न भी जताना चाहता हूं, बाजार भागा है, अच्छी सीटों का अनुमान है। नॉर्मली जो एग्जिट पोल होता है उससे ज्यादा ही सीटें, एग्जिट फिगर आता है आपके लिए। अगर इस बार थोड़ा डिफरेंट हो जाए, एग्जिट फिगर दूसरा हो जाए और बाजार गिर जाए और अदानी स्टॉक्स भी गिर जाए, तो आपको एक बात खुद को अच्छे से समझानी है कि सीटें कम हुई हैं, गवर्नमेंट सेम है, चाहे 400 आ जाए या 360 आ जाए या 330 आ जाए, अदानी को काम उतना ही मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेम है। ये तो बाजार है जो रिएक्शन दे रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अदानी ग्रुप के लिए नेगेटिव कुछ भी नहीं होने वाला अगर बीजेपी आ गई तो। एक ही कंसर्न था कि बीजेपी नहीं आई तो, अब उसका तो पर्दा क्लियर कट साफ हो गया है कि आ रही है और झंडा गाड़ के आ रही है, दबा के आ रही है। तो मैं यही कहूंगा कि इन स्टॉक्स में अभी तेजी शुरू हुई है और चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे। आप देखिए अदानी पोर्ट्स को 10%, आप सब छोड़ दो, आप देखो टर्नओवर को, आप SBI देखो यार, सब छोड़ो SBI देखो, SBI जैसा स्टॉक 7% रैली कर रहा है आज। तो ये सरकारी और ये जो मोदी लिंक्ड स्टॉक है, गवर्नमेंट लिंक्ड स्टॉक है, वो तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे बस हो गया सब क्लियर, अब तो आज ही हो गया पंचनामा सब, भैया हो गया मामला, काम मिलना शुरू, बाजार फुल्ली कॉन्फिडेंस रख रहा है, स्टॉक्स फुल्ली कॉन्फिडेंस रख रहे हैं। तो आप भी कॉन्फिडेंस रखो,
जल्दबाजी मत करो कुछ भी करने की, स्पेशली अदानी ग्रुप में, क्योंकि बाकी जगह तो थोड़ा मूवमेंट बढ़ सकती है लेकिन अदानी ग्रुप में क्या, उन्हें तो काम से मतलब है, सरकार से ही काम मिलता रहेगा उनको, और वो तो हैवी फोकस स्टॉक हैवी फोकस काम करने वाले बंदे हैं। अभी मैं अदानी पोर्ट्स की बात करूँ तो 10% रैली कर रहा है 1575, अदानी एंटरप्राइज 6.5%, अदानी पावर 14%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन हो या अदानी गैस हो, सारे के सारे स्टॉक्स बड़े तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं। पूरा पीएसयू सेगमेंट ही इनफैक्ट पूरी बढ़िया तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच में आपसे ये भी कहूंगा कि अब यहां से कुछ भी लेने लायक नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि कल आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अब बाजार कैसी मूव देता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये रिजल्ट को डिस्काउंट पूरी तरीके से कर दिया है मार्केट ने, पूरी तरीके से मेरी नजरों में। तो अब तो 400 सीट आ गई, तो फिर 200 250 300 पॉइंट मैक्सिमम लेवल पे और बचा है। अगर 350 पे भी आंकड़ा रह गया तो मेरे को लगता है बाजार नेगेटिव रिएक्शन देगा और कल बहुत वॉलेटाइल होगा, जैसे जैसे सीटों का आंकड़ा गिनती, सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाती है जहां तक मुझे लगता है, शाम को 5 बजे तक चलती है, लेकिन गिनती 8 से शुरू होती है, 11:30 और 12 के बीच में आपके लिए फाइनल फिगर आ जाता है, फिर वो 2-4 सीटें ऊपर नीचे होती हैं, अदरवाइज नहीं होती हैं। तो कल मार्केट काफी वॉलेटाइल हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं एक और चीज बताना चाहूं, जो इन्वेस्टर है पैसा उन्होंने ही बनाया, ट्रेडर्स ने नहीं बनाया, क्योंकि जिसकी वैल्यू निफ्टी आज इंडेक्स 650 पॉइंट बढ़ा है लेकिन 22600 की कॉल केवल 250 पॉइंट बढ़ी है, तो पैसा बनाने वाले ने 250 पॉइंट बना पाए केवल, लेकिन गवाने वाले ने कितने गवा दिए, 22600 की पुट 300 चली गई, यानी 61 पॉइंट लॉस में आ गया वो, तो उसने दोनों तरफ का भी करा होगा ना, तो भी घाटे में ही आया जिसमें 600 पॉइंट का मूव है। तो प्रीमियम्स की वजह से ऑप्शंस में तो पैसा नहीं बन रहा है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ट्रेड करके पैसा बना लेते तो सही रहता। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।